नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नेहा जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज क्या है, इसके होने का कारण क्या है और कौन कौन सी होम रेमेडीज और डाइट मैनेजमेंट के द्वारा आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं एलोपैथी और आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ में, ये सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। प्लीज मेरा वीडियो पूरा देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और पहली बार अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज दूसरों के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज क्या है? डायबिटीज के दो टाइप होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 का मतलब ये है कि जब आपकी बॉडी में इंसुलिन बनना पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इंसुलिन क्या है मैं बता दूं, हमारे शरीर का जो शक्कर होती है, जो ब्लड के अंदर, जो सेल के अंदर जितनी भी ग्लूकोज होती है किसी भी फॉर्म में, इसका मेटाबॉलिज्म करने का जो काम है, इसको डाइजेस्ट करने का और शरीर के रूप में, मतलब शरीर के लिए काम का बनाने का जो काम है, ये इंसुलिन करता है। ठीक है, इसका जो पूरा मेटाबॉलिज्म है वो इंसुलिन करता है। अगर आपके शरीर में इंसुलिन बनना खत्म हो जाता है तब उसको टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है। दूसरा जो टाइप 2 डायबिटीज है, इसमें आपके शरीर में इंसुलिन बनता तो है लेकिन या तो वो जरूरत से कम बन रहा है या फिर बन तो प्रॉपर रहा है पर जो इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं, यानी कि इंसुलिन को ग्रहण करने वाले जो रिसेप्टर होते हैं जो सेल के ऊपर लगे हुए रहते हैं, वो रिसेप्टर खराब हो गए हैं जिसकी वजह से वो इंसुलिन का पूरी तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे। तो ये हो गया टाइप 2 डायबिटीज में। अब ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टाइप 2 डायबिटीज में एक्चुअली हो सिर्फ इतना रहा है कि या तो इंसुलिन बन नहीं रहा है या फिर यूज उसका जो यूटिलाइजेशन होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। ये दो चीजें होती है तब टाइप 2 डायबिटीज होती है। डायबिटीज बहुत ज्यादा कॉमन है, डायबिटीज में बार बार बोल रही हूँ तब टाइप 2 डायबिटीज है ना। तो डायबिटीज बहुत ज्यादा कॉमन डिसीज है, खासतौर से आजकल ये लगातार बढ़ती जा रही है। पर ये बिल्कुल गलत है कि ये अभी हो रही है, ये हजारों साल पहले भी होती थी। आयुर्वेद में डायबिटीज रोग को इतने डिटेल तरीके से बताया गया है कि शायद ही कोई रोग है जिसका इतना डिटेल तरीके से डिस्कशन किया गया है। तो डायबिटीज तब भी होती थी आज से हजार साल पहले, आज भी होती है, ये आज के जमाने की डिसीज नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टेंशन लेने की वजह से या आजकल कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से डिसीज हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इसका हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो आयुर्वेद में और मॉडर्न में दोनों में एक चीज इसको माना गया है कि ये आपका लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होता है, यानी कि आपके लाइफ स्टाइल में कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ है जिसकी वजह से आपके शरीर का जो इंसुलिन का फॉर्मेशन होना चाहिए या फिर उसका जो यूटिलाइजेशन होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा। अब इस मामले में कई बार लोग बहस करते हैं कि भाई हम तो बहुत एक्सरसाइज करते हैं फिर भी हो रहा है, और खाना बिल्कुल ऑयली नहीं खाते हैं, मीठा नहीं खाते हैं लेकिन फिर भी हमको डायबिटीज है वगैरह वगैरह। तो एक बात याद रखिए, भले ही आप दूसरों के मुकाबले कम शक्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही आप दूसरों के मुकाबले ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन आप जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आपके शरीर के मुकाबले, जो आपके शरीर की क्षमता या जितनी आपके शरीर को जरूरत है उसके मुकाबले कम है। दूसरों से हमें कॉम्पिटिशन नहीं करना है, हमें अपने शरीर के साथ में कॉम्पिटिशन है या हमारे शरीर हमसे क्या डिमांड करता है उस चीज के ऊपर बात है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि दूसरों से तुलना करते हैं कि भाई वो दूसरा इतना मीठा खाता है उसको डायबिटीज नहीं है, हम तो कुछ भी मीठा नहीं खाते हमें डायबिटीज है। तो वो अलग शरीर है, उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है, उसकी BMI अलग है, आपकी अलग है। आप ऐसे तरीके से कॉम्पिटिशन करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो पहली चीज तो टाइप 2 डायबिटीज जो है वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होने की वजह से इसको पूरी तरीके से खत्म करना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से ऐसा ठीक हो जाता है, होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो जाता है, लेकिन ये कभी ठीक नहीं होता। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ेगी। हाँ, लाइफ स्टाइल को अगर आप रेगुलेट करेंगे तो आपकी जो कॉम्प्लिकेशन है, जो डोज है और जो उसकी कंडीशन जो बिगड़ती जाती है, डायबिटीज के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप कितना भी मेडिसिन लें इसको रोग धीरे धीरे बढ़ता जाता है, धीरे धीरे इसकी जो डोज है वो बढ़ती जाती है और उतनी मेडिसिन लेने के बावजूद एंड में इसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो लगभग सभी को आते हैं। किडनी प्रॉब्लम का होना, आंखों में प्रॉब्लम का आना, रेटिना जो डिटैचमेंट और रेटिना की जो प्रॉब्लम्स बोलते हैं, ब्लड में प्रॉब्लम का आना, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सूज जाती है, फट जाती हैं, कई बार वेरिकोज वेन डेवलप हो जाती है, पैरों में सूजन आती है, पैर सड़ने गलने तक लगते हैं, गैंग्रीन डेवलप होता है, ये सारे कॉम्प्लिकेशन कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज में आते ही है, आप कितनी भी मेडिसिन ट्राई करें। तो इस चीज में आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने से बड़ा फायदा होता है।
मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेना आपको लाइफ लॉन्ग पड़ेगा, लेकिन अगर आप एलोपैथी के साथ में या फिर आयुर्वेद मेडिसिन को प्रेफर करेंगे तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनका मैनेजमेंट काफी ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाता है। आपको कौन कौन सी ट्रिप का इस्तेमाल करना है वो मैं और थोड़ा सा समराइज यहाँ पे करती हूँ। पहली चीज तो बहुत सारे लोग ये करते हैं, मेथी खा ली, पीपल के पत्ते चबा लिए, शीशम के पत्ते चबाए, नीम की निवोली खाने से डायबिटीज ठीक होता है, ऐसा लोगों ने मुझे बताया और मैंने पढ़ा है बहुत सारे यूट्यूब पे, बहुत सारे आर्टिकल्स में। एक बात याद रखिए, आयुर्वेदिक या हर्बल मेडिसिन जो है, जो पेड़ पौधों से बनती है, इनका एक बहुत ही अच्छा गुण है कि इनकी जो पोटेंसी होती है यानी कि काम करने की क्षमता, वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये आपके बॉडी में साइड इफेक्ट नहीं पहुंचाते, बहुत ही जल्दी आपके शरीर के साथ साथ में हो जाते हैं। साथ में एक आयुर्वेद का वर्ड है, उसका मतलब ये है कि ये आपकी बॉडी के हिसाब से सेट हो जाते हैं। तो अगर आपने अभी मेथी के चून का लेना इस्तेमाल करना चालू किया है, आप अभी अभी रोज सुबह उठ के निवोली, आपने नीम की जो निवोली होती है वो खाना चालू किया है, तो आपको तुरंत में बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर आप इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं 1 महीने 2 महीने तक, तो फिर आपको इफेक्ट नहीं मिलता, जिसका अनफॉर्चुनेटली जो दोष है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन को या हर्बल मेडिसिन को दिया जाता है, कोई फायदा नहीं होता। पर ऐसा नहीं है, आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रयोग, खासतौर से ऐसी हर्बल मेडिसिन जो होम रेमेडीज हैं, इनका प्रयोग कभी भी कंटिन्यूअसली लगातार नहीं किया जाता। अगर आप लगातार प्रयोग करेंगे तो ये आपकी बॉडी के साथ साथ में हो जाते हैं, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करना बंद कर देते हैं। तो अगर आप नीम का प्रयोग कर रहे हैं तो आप 15 दिन या मैक्सिमम 1 महीने तक के लिए नीम का प्रयोग करिए, उसके बाद में 2 महीने का ब्रेक दीजिए, उस ब्रेक में किसी और चीज का इस्तेमाल करिए, शीशम के पत्ते चबाइए, पीपल के पत्ते चबाइए, ये जो है डायबिटीज में फायदा करते हैं, इनका प्रयोग करिए। उसके बाद में वापस नीम के ऊपर लौट के आइए, फिर थोड़े दिन का ब्रेक करिए, फिर मेथी का प्रयोग करिए। इस तरीके से अगर आप रोटेशन करते हुए इन हर्बल मेडिसिन और होम रेमेडीज जितनी भी लोग आपको बताते हैं, चाहे वो आर्टिकल में बताए या दूसरे यूट्यूब चैनल में बताते हैं, अगर आप उसका इस तरीके से रोटेशन करते हुए प्रयोग करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। एक आपको अपना नुस्खा मैं आपको बताती हूँ, और जो 101% इफेक्टिव है और टाइप 2 डायबिटीज की कंडीशन में हमेशा ही फायदा करता है। आयुर्वेदिक नुस्खा है, कोई टोटका नहीं है, उसकी जो पैथोलॉजी है वो भी मैं आपको समझा दूँ। आयुर्वेद के हिसाब से जो डायबिटीज है वो वात और कफ व्याधि होती है, यानी कि वात का और कफ का इसमें संबंध रहता है, जिसकी वजह से बीमारी होती है। तो इस वात और कफ के संबंध को तोड़ने के लिए एक नुस्खा है, वो ये है कि आपको त्रिफला का काढ़ा बनाना है और एरंड तेल कैस्टर ऑयल के साथ, 2 ml कैस्टर ऑयल के साथ में आपको रात में प्रयोग करना है। त्रिफला का काढ़ा बनाने की विधि मैं कई बार बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। 1 चम्मच पाउडर 1 ग्लास पानी में आपको बॉयल करना है। बॉयल करते हुए जब वो 1/4 रह जाए, यानी कि 25 ml रह जाए, तब छान करके ठंडा करके प्रयोग करना है। ये आपने जो काढ़ा बनाया है इसके साथ में 2 ml कैस्टर ऑयल का प्रयोग करिए। पहले दिन 2 ml, दूसरे दिन 3 ml, चौथे दिन 4 ml, पांचवें दिन 5 ml, इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ाते हुए क्रम में आपको कैस्टर ऑयल की मात्रा बढ़ाते जाना है। जब एक ये एक पीक पे पहुंच जाएगा तब आपको मोशन होंगे, मतलब जो लिक्विड मोशन होना चालू होते हैं ना, दस्त लगना, उस तरीके से दस्त लगना चालू होंगे। जब दस्त लगने पे पहुंच गया है तो मतलब ये पीक पे आ गया है। उसके बाद में आप कैस्टर ऑयल को स्टॉप करिए और त्रिफला की काढ़े के साथ में त्रिकटू चूर्ण और गौमूत्र अर्क का आपको प्रयोग करना है। त्रिफला का काढ़ा उसी तरीके से बनाना है, त्रिकटू चूर्ण 1 ग्राम की मात्रा में और गौमूत्र अर्क 5 ml की मात्रा में प्रयोग करना है। ये प्रयोग फिर 7 दिन तक करिए, उसके बाद में फिर वापस कैस्टर ऑयल पर आइए, फिर 7 दिन तक इस तरीके से प्रयोग करिए, फिर गैप करिए, इस तरीके का आपको प्रयोग करना है। ये प्रयोग 101% फायदा करता है और इस प्रयोग को करने से आपको जितने भी डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशन है, जितनी भी तकलीफें हैं, सिर में दर्द का होना, ब्लड वेसल की दिक्कत का होना, हार्ट की प्रॉब्लम का होना, किडनी की प्रॉब्लम का होना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको 101% नहीं होंगी। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो इन सारी कंडीशन में आपको फायदा होगा। ये सिंपल सा प्रयोग है, आप कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, गर्मियों में प्रयोग नहीं करना है, हमेशा जो मई जून का जो पीक गर्मी वाला महीना रहता है उसको निकल जाने दें, उसके बाद में आपको इसका प्रयोग करना है। आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं करता, और जो मैंने बताया है उसी तरीके से प्रयोग करना है, बिल्कुल भी ऊटपटांग तरीके से प्रयोग नहीं करना है। जो मैंने आपको बताया अच्छे से, मेरा वीडियो वापस रिपीट करके देखिएगा, जिससे सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गए, उसके बाद ही इसका प्रयोग करना है।
तो आई थिंक टाइप 2 डायबिटीज से रिलेटेड जितनी मुझे आपसे बातें करनी थी वो मैंने कवर कर ली है। अगर आपको कोई और सवाल है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई और दिमाग में सवाल उठाए, क्योंकि मैंने जो बाकी यूट्यूबर्स बताते हैं वैसा नहीं बताया, जो प्रैक्टिकल है या जो गलतियां हो जाती हैं लोगों से उस चीज के ऊपर हाईलाइट किया है। तो अगर कोई और सवाल है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और अगला वीडियो आपको मिलेगा बुधवार के दिन में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।